हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं पिलग्रिम स्क्वालन पेपरमिंट लिप स्क्रब का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। लिपस्टिक पहनने की वजह से हमारी लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई चैप्ड हो जाते हैं। एज यू कैन सी, मैंने जैसे ही अपना लिपस्टिक रिमूव किया, लिप्स इतनी ज़्यादा ड्राई और चैप्ड है। तो इसका क्या करें? दिस डज नॉट लुक प्रेजेंटेबल एट ऑल। रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है पिलग्रिम स्क्वालन पेपरमेंट लिप स्क्रब। इसमें एक और वेरिएंट जो कि ब्लू बेरी वेरिएंट है, वो भी अवेलेबल है। आई लव पिलग्रिम प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट्स 100% वीगन, पेटा अप्रूव्ड है, क्रुएल्टी फ्री, FDA अप्रूव्ड होते हैं। उनमें कोई टॉक्सिक 20 केमिकल्स नहीं होते, नो पैराबेंस, नो सल्फेट एंड प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। इट रिटेल्स जस्ट फॉर ₹250। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इसके परचेजिंग लिंक प्रोवाइड किया है। मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। इसमें जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द कलर। ये एकदम ब्लू कलर में है एंड इट डिलीशियसली टेस्ट जस्ट लाइक पेपरमेंट। आई लव अ रिफ्रेशिंग स्क्रब जो कि मेरे मूड को भी रिफ्रेश करता है और मेरे लिप्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है। इसके टेक्सचर में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्क्रबिंग पार्टिकल्स है जो कि हमारे लिप्स को माइल्डली स्क्रब करने में मदद करता है। जस्ट अपने फिंगर टिप्स में थोड़ा सा लेकर इस तरह से सर्कुलर मोशंस में आपको अपने अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों को ही स्क्रब करना है, लेकिन बहुत ही माइल्ड तरीके से, ज़्यादा हार्श तरीका नहीं अपनाना है। फिर इस तरीके के किसी भी कॉटन बॉल से या फिर किसी भी वाइप की मदद से आप इसे वाइप ऑफ कर लीजिए। फिर कोई भी लिप सीरम अप्लाई कर सकते हैं। मैं पसंद करती हूँ पिलग्रिम स्क्वालन बबल गम लिप सीरम। इट टेस्ट्स जस्ट लाइक अ बबल गम और ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और लिप्स को मॉइस्चराइज्ड रखता है। माई लिप केयर रूटीन इज कम्प्लीट। यू ऑल कैन सी माई लिप्स आर सो जूसी, सॉफ्ट एंड सपल। आई लव दिस काइंड ऑफ जूसी सॉफ्ट लिप्स। मुझे तो ये मेरा लिप केयर रूटीन काफ़ी अच्छा लगा और पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। आज के लिए इतना ही। बाय।